नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय ग्रह नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। जून माह का ये सप्ताह काफी खास जाने वाला है। इस सप्ताह ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह शुक्र, बुध, सूर्य और चंद्रमा राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में कई राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है। 12 जून को दैत्यों के गुरु शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में मिथुन राशि में त्रिग्रही योग बन रहा है। इसके साथ ही इस राशि में बुधादित्य, शुक्रादित्य और लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसके अलावा चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। मंगल के मेष राशि में होने से मालव्य, शनि के कुंभ राशि में होने से शश राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही केतु कन्या में और राहु मीन राशि में विराजमान है। जानते हैं 10 जून से 16 जून 2024 का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के मेष राशि फल से। मेष राशि के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायक साबित होगा। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने अथवा लापरवाही बरतने से बचना होगा, अन्यथा आर्थिक हानि के साथ मान सम्मान को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यक्षेत्र के साथ घरेलू मोर्चे पर भी कुछ बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। सुखद पहलू ये है कि संकट के इस समय में आपके साथी संगी आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में भूमि, भवन, पैतृक संपत्ति आदि से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। इस सप्ताह आपकी सेहत भी कुछ नरम रह सकती है। पूरे सप्ताह ऋण, रोग और शत्रुओं से सावधान रहें तथा आलस्य एवं अभिमान से बचें। किसी भी कार्य को कल पर न टालें, अन्यथा बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध बेहतर साबित होगा। इस दौरान धीमी गति से ही सही लेकिन कारोबार में लाभ और प्रगति नजर आएगी। व्यापारी वर्ग को इस सप्ताह किसी भी योजना में सोच समझ कर धन निवेश करने की आवश्यकता रहेगी। छात्र वर्ग का मन पढ़ाई से उचट सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और उसके बेवजह प्रदर्शन से बचें। खास उपाय, गुरुवार के दिन चने की दाल दान करें। प्रतिदिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग येलो। अब बात करते हैं इस सप्ताह के वृषभ राशि फल की। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह राहत भरा रहने वाला है। यदि किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आपके रिश्तों में खटास आ गई थी तो इस सप्ताह किसी शुभचिंतक की मदद से सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। करियर और कारोबार में आ रही परेशानियों में भी आप कमी महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अपने उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। मिले हुए टारगेट को आप समय से पहले पूरा करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह आपको कारोबार में खासा लाभ होगा। व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा अत्यंत ही शुभ, सुखद और लाभप्रद साबित होगी। इस सप्ताह सिंगल लोगों की लाइफ में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप लंबे समय से भूमि या भवन आदि खरीदने की सोच रहे थे तो आपकी यह मनोकामना इस दौरान पूरी हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक कहीं से धन लाभ होने की संभावना बनेगी। पूर्व में किए गए निवेश से लाभ संभव है। इस सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा तो वही नौकरी पेशा महिलाओं को कार्य में अनुकूलता बनी रहेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। खास उपाय, प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पर्पल। अब बात करते हैं इस सप्ताह के मिथुन राशि फल की।
मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा आपाधापी भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपको छोटे कार्यों को करने के लिए भी अधिक मेहनत और प्रयास करना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी एवं उम्मीद के मुकाबले कम फलदायी साबित होगी, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति से लंबे अरसे बाद मुलाकात होगी। ये समय कारोबार की दृष्टि से शुभता ले रहने वाला है। इस दौरान आपको परिश्रम का पूरा फल मिलेगा और आप मनचाहा लाभ भी प्राप्त करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं अथवा आपको किसी पुराने रोग के उभरने पर शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। यदि घर परिवार में किसी व्यक्ति के साथ मतभेद या मनमुटाव चल रहा है तो इसे विवाद की बजाय संवाद से दूर करने का प्रयास करें। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। कठिन समय में आपका पार्टनर आपके साथ पूरी तरह से खड़ा नजर आएगा। डॉट खास उपाय प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग व्हाइट। अब बात करते हैं इस सप्ताह के कर्क राशि फल की। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिलाजुला साबित होगा। इस सप्ताह आप अपने कार्यों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं। कार्यों में मनचाही सफलता या प्रगति न मिल पाने के कारण आपके भीतर निराशा के भाव जग सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले उसका खुलासा न करें, अन्यथा आपके विरोधी में उसमें अड़ंगे डाल सकते हैं। इस सप्ताह आपकी स्वजनों और शुभचिंतकों के साथ किसी बात को लेकर दुराव पैदा हो सकता है। इष्ट मित्रों के साथ किसी बात को लेकर पैदा हुई गलतफहमी आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान अपने सामान और खानपान का विशेष ख्याल रखें, अन्यथा आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। इस दौरान सत्ता सरकार से जुड़े लोगों से उलझने से बचें और किसी भी विवाद को संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास करें। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो उसका बेवजह का प्रदर्शन न करें, अन्यथा सामाजिक बदनामी झेलनी पड़ सकती है। और यदि आप अभी तक सिंगल हैं और किसी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो आपको उचित समय का इंतजार करना उचित रहेगा। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें। खास उपाय प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र अथवा शमीपत्र चढ़ाकर शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 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 अब बात करते हैं इस सप्ताह के सिंह राशि फल की। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपके साथ सुख और सौभाग्य हमेशा कायम रहेगा। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और उसे पूरा करने में आपको इष्ट मित्रों और स्वजनों की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति अथवा किसी कार्य विशेष के बगैर किसी अड़चन के पूरे होने के साथ होगी। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने आला अधिकारियों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल जोल बढ़ेगा। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपको लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। ये सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको कारोबार में खासा लाभ होगा। बाजार में अटका हुआ धन भी अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ और लाभप्रद साबित होंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष उन्नति एवं प्रगति से जुड़ा समाचार प्राप्त होगा। छात्रों को परीक्षा प्रतियोगिता में आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। विवाह योगी युवक युवतियां को मनचाहा साथी मिल सकता है। ये सप्ताह प्रेम प्रसंग एवं दाम्पत्य जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। आपको अपने पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। खास उपाय प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग डार्क ब्लू। अब बात करते हैं इस सप्ताह के कन्या राशि फल की। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मध्यम साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा शुभ एवं आपके मनोरथ को पूरा करने वाली साबित होगी।
हालांकि इस दौरान आपको सेहत संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है, ऐसे में अपनी दिनचर्या और खानपान विशेष ख्याल रखें। कन्या राशि के जातकों, इस सप्ताह कोई भी निर्णय आवेश में आकर या फिर भावनाओं में बहकर लेने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अचानक कुछ बड़े खर्च आ जाने के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। उधार मांगने तक की नौबत आ सकती है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और किसी पद की प्राप्ति का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाहा परिणाम पाने के लिए आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करना होगा। यदि आपकी लव लाइफ अथवा दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव चल रहा है तो उसे दूर करने में कोई महिला मित्र काफी मददगार साबित हो सकती है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए यदि आप खुद ही पहल करते हुए संवाद का सहारा लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खास उपाय, प्रतिदिन सिंदूर का तिलक लगाएं और भगवान श्री गणेश जी की पूजा में चालीसा का पाठ करें। डॉट शुभ अंक 2, शुभ रंग पिंक। अब बात करते हैं इस सप्ताह के तुला राशिफल की। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत करियर कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्रा से होगी। यात्रा के दौरान आपके प्रभावी लोगों के साथ संबंध बनेंगे और आपको अपने कार्यों में मनचाही सफलता मिलेगी। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए थे तो आपको इस सप्ताह उससे जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह छात्र वर्ग के लिए शुभ साबित होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कारोबार में मनोकूल लाभ की प्राप्ति होगी। व्यवसाय के विस्तार की योजना साकार होती नजर आएगी। यदि आप लंबे समय से मनचाही रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो इस सप्ताह आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। वहीं पहले से नौकरी पेशा व्यक्तियों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इस सप्ताह किसी प्रिय सदस्य के घर आने पर खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में पिकनिक पार्टी अथवा लंबी दूरी के पर्यटन स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। यदि किसी बात को लेकर जीवन साथी के साथ खटपट चल रही थी तो इस सप्ताह सारे मतभेद दूर हो जाएंगे और वैवाहिक जीवन में एक बार फिर से मधुरता कायम हो जाएगी। सेहत सामान्य रहेगी। खास उपाय, प्रतिदिन श्री अंत की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सायन। अब बात करते हैं इस सप्ताह के वृश्चिक राशि फल की। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह किसी के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप बेवजह की चीजों में फंसकर अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहें। लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचें तथा अपने लक्ष्य पर फोकस करें। सप्ताह के पूर्वार्ध में घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। हालांकि इस दौरान आपको खुद भी अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष रूप से मौसमी बीमारी से बचें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको सभी कागजी काम सही समय निपटाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में सरकारी तंत्र से उलझने से बचें। इस दौरान कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें। उच्च शिक्षा अथवा विदेश में करियर बनाने के लिए प्रयासरत लोगों को मनचाहे परिणाम के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। जीवन से जुड़ी उलझनों को सुलझाते वक्त ससुराल पक्ष से आपको विशेष सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। खट्टी मीठी तकरार के साथ लव पार्टनर के साथ रिश्ते सामान्य बने रहेंगे। डॉट खास उपाय, प्रतिदिन श्री हनुमान जी की पूजा एवं उनकी चालीसा का 7 बार पाठ करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग ब्राउन। अब बात करते हैं इस सप्ताह के धनु राशि फल की। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में ही आपको किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इस दौरान सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। उच्च अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होकर आपकी तारीफ करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका कद और पद में बढ़ोतरी के पूरे योग बन रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपको किसी अच्छी जगह से ऑफर आ सकता है। हालांकि आपको इस संबंध में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए।
पठन पाठन लेखन आदि का कार्य करने वालों को इस सप्ताह विशेष लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका जनसंपर्क बढ़ेगा। समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वालों को विशेष पद या सम्मान मिलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है अथवा बातचीत के जरिए विवाद सुलझ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपनी बात और व्यवहार से सभी का दिल जीतने में कामयाब होंगे। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता कायम रहेगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। खास उपाय, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और प्रतिदिन सूर्यदेव को जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नेवी ब्लू। अब बात करते हैं इस सप्ताह के मकर राशि फल की। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायक है। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को अपने करियर, कारोबार, सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस हफ्ते नौकरी पेशा लोगों पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ गिर सकता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। भूमि भवन के क्रय अथवा उसकी मरम्मत में बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपको कोई भी ऐसा निर्णय लेने अथवा कदम उठाने से बचना चाहिए जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। विद्यार्थी वर्ग को इस सप्ताह मिले जुले फल की प्राप्ति होगी। परीक्षा प्रतियोगिता में उन्हें अपेक्षाकृत कम परिणाम प्राप्त होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कारोबार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे सप्ताह लेन देन करते समय सावधानी बरतें तथा धन उधार देने से बचें। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान किसी बुजुर्ग अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से निजी समस्या का समाधान खोजने में कामयाब होंगे। इस दौरान किसी कार्य विशेष को पूरा करने में इष्ट मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें और अपने लव पार्टनर की फीलिंग्स का पूरा ख्याल करें। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में रुद्राष्टकम का पाठ करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग एक्वा। अब बात करते हैं इस सप्ताह के कुंभ राशि फल की। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपको कभी अपने जीवन की गाड़ी सरपट दौड़ती हुई तो कभी रुक रुक कर चलती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी भी काम में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, अन्यथा आप अपने सीनियर के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। निजी जीवन में भूमि भवन से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं। भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। अध्ययन अध्यापन में अरुचि रहेगी। मन किसी समस्या को लेकर बेचैन रहेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, अन्यथा लाभ की जगह हानि उठानी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा में उम्मीद से कम लाभ न मिलने से मन दुखी रहेगा। इस दौरान राजनीति से जुड़े लोगों द्वारा किए गए प्रयास में आंशिक सफलता मिल पाएगी। रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाने के लिए स्वजनों की भावनाओं का आदर करें। प्रेम प्रसंग में आवेश में आकर कोई निर्णय न लें। खास उपाय, प्रतिदिन हनुमत साधना में श्री बजरंग बाण का पाठ करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग व्हाइट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 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 अब बात करते हैं इस सप्ताह के मीन राशि फल की। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह राहत भरा रहने वाला है। छोटी मोटी दिक्कतों के बावजूद ये सप्ताह आपके लिए सार्थक एवं सफल साबित होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में लंबे समय से चली आ रही चिंताएं दूर होंगी। इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग समर्थन मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। ये समय निजी एवं सरकारी क्षेत्र से जुड़े नौकरी पेशा लोगों के लिए अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपके विभागीय मामले सुलझेंगे। मनचाहे प्रमोशन एवं तबादलने की कामना पूरी होगी। आला अधिकारियों की मदद से आप अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके परिश्रम और प्रयास की सराहना होगी। इस सप्ताह युवा वर्ग का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के मध्य में किसी पर्यटन अथवा धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। धार्मिक अथवा आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा।
व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह अति उत्तम साबित होगा। इस सप्ताह आपको कारोबार में खासा लाभ होगा। कारोबार के विस्तार की योजना साकार होती हुई नजर आएगी। करियर कारोबार में सफलता के साथ साथ यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए भी शुभ है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल साबित होगा। प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी। परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह और सहयोग की भावना बनी रहेगी। ननिहाल पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। डॉट खास उपाय, प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें तथा पूजा में श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ब्लैक। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता की।